हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोमीज म्यूजिक कुकिंग एंड क्राफ्ट। आज मैं बनाऊंगी एक क्रिसमस ट्री। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। क्रिसमस ट्री के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्रीन और जैसे थोड़ा लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन में एक लंबा सा ऐसे माला जैसे ये ले लिया है। ये लंबा ऐसे मार्केट में मिलता है इजिली, तो ये मैंने ले लिया है। और थोड़ा सा थर्मोकोल को गोल काट के और छोटा सा एक थर्मोकोल काट के मैंने सेट कर रखे हैं। दो सेम साइज का मैंने बना के रखे हैं पहले से। ये चाहिए हमें, और चाहिए फॉइल पेपर, चाहिए पतला कार्डबोर्ड और थोड़ा सा मोटा कार्डबोर्ड और सेलो टेप, चाहिए चाहिए ब्रश, एक्रेलिक कलर, ग्लू, सीजर, स्टेपलर और थोड़ा सा पानी। पहले फॉइल पेपर को काट लेंगे, जो फॉइल का उल्टा साइड है इसको ऐसे रख के इसके ऊपर हम शेप दे देंगे। और इसको अच्छे से इसको कवर कर देंगे। ऐसे इसको अच्छे से टेप करके और ग्लू से इसको सेट कर देंगे। दोनों थर्मोकोल को मैंने अच्छे से कवर कर लिए हैं, तो इसको मैंने सेलो टेप से अच्छे से सेट कर दिया है। अब जो एक मोटा कार्डबोर्ड रखे थे उसको मैंने काट लिया है पतला सा पीसेस में, और इसको अब ऐसे इसका नाप ले लेंगे। जैसे ये दोनों अच्छे से सेट हो जाए ऐसे नाप लेके और इसको यहाँ पे स्टेपल कर देंगे, और इसके ऊपर भी हम फॉइल लगा लेंगे। फॉइल से मैंने इसको भी कवर कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और फिर इसको ऐसे सेट कर देंगे। दोनों को ऐसे सेट कर देंगे एंड अब रेडी हो गए हैं। इसको मैंने ग्लू से चिपका दिया है। कार्डबोर्ड के पीस रखे हैं, इससे हम कोना बना लेंगे। तो ऐसे एक एक कोने से पकड़ के और इसको ऐसे रोल करके और जो सेलो टेप से इसको पहले फिक्स कर लेंगे। टेप से जोड़ दिया है, अब इसको गोल शेप में काट लेंगे। इसको थोड़ा सा समान कर लिया है। अब एक छोटा सा पीस और एक काट लिया है, तो इसको ऐसे टेप से सेट कर देंगे। स्टैंड को कलर कर लेंगे। मैंने स्टैंड को कलर कर दिया है, लाइट ब्लैक एंड ब्लू दोनों मिक्स करके और इसको कलर कर दिया है। अब इसके ऊपर ये जो कोना बना के रखे थे इसको हम ग्लू लगा के और इस पे सेट कर देंगे। सेट कर दिया इसको स्टैंड के साथ। अब यहाँ पे एक स्टेपल कर देंगे पहले, कर दिया। अब इसको रोल करते जाएंगे। इसको रोल करके ऐसे सेट करेंगे। यहाँ पे इसको ग्लू से और टेप से सेट कर देंगे। अब देखिए क्रिसमस ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। तो घर में हम कितना इजीली इसे बना सकते हैं। मार्केट से तो हर चीज खरीदा जा सकते हैं, पर अपने हाथों से बनाने का कुछ खुशी अलग होते हैं। तो अगर मेरे ये क्रिसमस ट्री आपको पसंद आए हो तो अभी से लाइक कीजिए और मेरे आगे की वीडियोस देखने के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।